हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सरप्राइज की ओर, जहां पर हम करेंगे एक छोटी सी पिकनिक और खाएंगे खाना। यार तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में यहाँ भूख लग गई है। कितना दूर है अभी आगे? और अरे बस पहुँच ही गए, थोड़ा सा है, थोड़ा सब्र करो। सब्र करो सब्र करो, दिन हो गई है और भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। तुम पता है ना मुझे भूख सहन नहीं होती। बस पहुँच जाते हैं थोड़ी सी देर में, कितना दूर है यार। यार ये रोड इतनी नैरो है, तुम श्योर हो ये रास्ता आगे जाके कहीं हमें कहीं गलत तो नहीं आ गए हम लोग? यार देखो मैं भी एक ही बार आया हूँ तो वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही है, ऐसी ही थी रोड वो कुछ। देखो देखो सच में यार ये बहुत नैरो होते जा रही है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। अगर रास्ता सही नहीं हुआ तो हम फंस जाएंगे यहाँ फिर से। यार यहाँ बहुत रिसॉर्ट्स वगैरह हैं, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ फंसेंगे, कहीं ना कहीं जगह होगी। एक साइड में पूरा का पूरा बंद है और दूसरे साइड में पूरी खाई जैसी लग रही है और गाड़ी बैक होने तक का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता सही है, तुम श्योर हो? यार अब तुमने ना मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है, अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तुम ना हर बार ही ऐसा करते हो, तुम्हारी आदत बन चुकी है। पहले बोलते हो मैं श्योर हूँ, फिर गलत रास्ते मिल जाते हो और फिर अपने प्रकृति प्रेम, अपना नेचर प्रेम जो भी है आपका, उसमें ऐसा खोते हो कि रास्ता भी नहीं दिखता है फिर आपको। तो देखो तीन टंकियां दिख रही हैं, यहाँ पर रिसॉर्ट है। टंकियां तो दिख रही हैं बट ये इतनी नैरो रोड है यार। ये घर, हम घर पे आ गए किसी के? ओहो ये तो गलत रास्ते पे आ गए हैं हम। अरे यार फिर से नॉट अगेन हैरी। चलो वापस मोड़ते हैं। मोड़ना ही पड़ेगा मुझे, अब जगह ढूंढने दो पहले। यहाँ से मुड़ जाएगी। ओके तो तुम्हारा फ्रेंड अब आ गए हैं, देखो हम बिल्कुल सही रास्ते। श्योर ना आप सही रास्ता है पूरा? प्रीटी मच। देखो कितना सुंदर नजारा है यार। We are about to reach. Your destination has arrived. Oh my God, this bridge. बहुत सुंदर है ना? यार सच में मुझे तो बहुत ही पसंद है ऐसे ब्रिज। रिवरसाइड पिकनिक। Oh my God, हम रिवरसाइड पिकनिक करने वाले हैं? Yes. देखो यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। Okay. ये इतना पुराना ब्रिज है ना, देखो कितना सुंदर है। सीरियसली यार। और ये है व्यू इस ब्रिज से। सुजु को भी बड़ा मजा आ रहा है। He's having fun. उसको ना सब कुछ देखना है, इधर भी उधर भी। जब वो बाहर आता है ना ऐसे मतलब पागलों की तरह बिहेव करते हैं कि मैं क्या क्या ना देख लूं। जैसा है ना उसका लव भी ऐसा ही है। नो वो मेरे जैसा है, he is fun loving, adventure loving। देखो खुद ले जाएगा हमें अब आगे की ओर, कहाँ को जाना है उसे खुद पता है जैसे। हाँ देखो क्योंकि डैडा की नजरों से देखा है उसने वो। हाँ चलो मान लिया मैंने। ओ वाटर, पिजु खुश हो गया होगा पानी देख के। पिजु को तो पानी, पिजु कह रहा आज तो मेरी लॉटरी निकल गई, पहले वहाँ पानी अब यहाँ पानी। मम्मा की तरह है बिल्कुल, पानी 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 पसंद आता हर जगह इसको। ये तो है, जगह बहुत अच्छी है यार, यहाँ पर पिकनिक करने में मजा आएगा और धूप भी बहुत अच्छी है आज, ठंड भी नहीं लगेगी। आज मौसम ने तो बहुत साथ दिया है हमारा। हाँ ना देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, एकदम क्लियर स्काई और इतने हरे भरे पेड़, देखो ये ने भी आउटडोर में खाना खा लिया ना, सुजु को भी बहुत अच्छा लगता है आउटडोर में जाना। Yes, my boy. My boy. दलिया, गाजर, आलू, बीन, बीन आलू तो नहीं, ये ठंडा हो गया यार पानी इसके लिए।
यहीं पर रख लो, यहीं पर रख, यहीं पर रख दो, वहीं पर रखना। हॉप खाना, तो सुबह खाना फिनिश होता है तो इसकी हार्नेस खोल देना यार। हाँ यार, ये लकड़ी होगी ना, तो मैं इसको हटाई देता। वहाँ पर लोग, वहाँ पर लोग हैं ना बहुत सारे। तो वहाँ को जाएगा, बस इसका ध्यान रखना। हाँ नहीं जी, वो हार्नेस को लगी हुई है, हार्नेस को। तो इसका खाना खाने का वेट करते हैं, फिर मम्मी खाना खाना शुरू करते हैं। ये कितना सही लग रहा है ना, आज ये बाहर खाना खाते हुए अच्छा लगता है ना, इसको खाना खाते हुए देखना। बिज़ू ने तो अपना फूड एंजॉय कर लिया। चलो दिखाओ आप, तुम क्या बना के लाई हो, बहुत खाना खाना कर रही थी ना। अरे सरप्राइज तो तुम्हारा ही तो नहीं है ना, कुछ सरप्राइज मैं भी तो रखूंगी। ओहो सरप्राइज, चलो देखें तो क्या है। सरप्राइज तो नहीं है, बट बहुत जल्दी वाला खाना बनाया है मैंने आज। थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई है, आलू कचौड़ी बनाई है और थोड़ी चटनी बनाई है। आओ आलू कचौड़ी, वो भी चटनी के साथ। पानी पानी पानी, आहा फिजू को तो पानी। देखो देखो देखो, फिजू को ना रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आशीष वो क्रॉस करके चला गया है ना पानी को। हाँ। तो उसे ये हो रही है कि वो गया कैसे, उसको रास्ता ढूंढना है और वो पानी में भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने उसको ऑलरेडी डांट दिया है। मेरा था क्या, गीला हो गया बेचारा। तो क्या हो गया, उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है पानी में, एक दिन तो आता है बेचारा दिनों में घूमने के लिए ऐसी जगह। चलो देखो आप क्या है, नानी के पास, नानी मुझे ले चलो ना उधर। नानी के हाथ में ना खाने की वो है तब। चलो यार मैं ये बर्तन धो लूं पहले पूरे। मच्छरवाड़ी की ड्यूटी लगी हुई है आज बर्तन धोने की, क्योंकि वहाँ पर पानी में जाने से मेरे को तो नहीं है, मच्छर गिर गई वहाँ पर तो और आफत हो जाएगी। वैसे तो पानी में बड़ा उछल कूद मचाती हो, बर्तन धोने के लिए मुझे भेज दिया। देखो अब मैं लेके आता हूँ बिजली को उधर। डर रहा है वो थोड़ा, डर नहीं रहा है बे, वो तुमने उसको डांट दिया है ना इसीलिए वो नाटक कर रहा है कि नहीं मुझे गोदी में ले जाएंगे ताकि मैं भीगू ना। चलो भाई पहुंच गए इस बार, मामा उसको अकेले अकेले मस्ती करती हुई दिख रही है ना। अब मैं आते हुए पानी में जाएंगे, देखो तुम देखते रहोगे, तुम्हें तो शूज पहने हुए हैं। यार मेरे से ना कंट्रोल नहीं होता है पानी देख के, पता नहीं मेरी आदत ही है, पानी हो चाहे मैंने क्या ही पहना हो, क्या ही करा हो, कहीं जाना हो नहीं जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी अगर मैंने देख लिया ना बस, तो मुझे उसमें जाना ही जाना है। बस थोड़ा ज्यादा होता तो भाई मैं भी आता। हाँ। मैं तो बताया ना, मैं तो स्विम करता हूँ। तुम तो स्विमिंग के लिए आते हो ना, बट मेरे को तो बस पानी देखते ही बेचैनी सी होने लगती है कि पानी में आना है। और सेम ना फिजू की भी हालत ऐसी होती है। बट आज तो नहीं आ रहा है वो, तुमने डांट दिया है क्योंकि उसको इसलिए नहीं आ रहा है। मैंने इतना भी नहीं डांटा यार, पहले से ना तुमने डांटा था उसको पानी में जाने की वजह से। Thank you.
के माले What are they looking at? This, this beautiful view. Sunset उल्टा है ना अभी? हमारी तरफ से east वहाँ पे है अभी. So you married this girl? See the beauty behind us. थक गया बिजुआ. ऐसी जगह में जहाँ लोग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, बहुत देर तक बैठे रहने का मन करता है. वो तो सही है, बट सारे लोग हमारी तरह नहीं होते ना. यहाँ और लोग जो आते हैं वो गंदगी कर जाते हैं. हाँ यार, मैंने भी एक दो जगह कांच हटाया है और कुछ कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं. तो यही दिक्कत है ना. देखो चिप्स के पैकेट और ये कितनी चीजें. लोग आए यहाँ मगर अपना कूड़ा अपने साथ लेके चले जाए. सभी से हमारा निवेदन यही है कि सारे लोग जो भी पिकनिक करने आते हैं, जो भी ऐसे प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, अपना कूड़ा एक थैली बनाकर अपने साथ ले जाएं और जहाँ भी उनको कूड़ेदान दिखे, डस्टबिन दिखे, वहाँ पर डालें. यार लोगों की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सामान जब घर से लेके आते हैं तो बड़े अच्छे से लेके आते हैं, तब वो उनको भारी नहीं लगता है. जैसे ही वो खाने के पैकेट या चिप्स के पैकेट खत्म हुए, उनको भारी क्यों लगने लगते हैं? वो तो और हल्के हो जाते हैं ना. देखा है गाड़ी से भी कैसे फेंकते हैं लोगों की आदत. अरे एक गाड़ी में कैरी बैग कैरी करो, क्या हो गया? उसमें फेंको सारा कूड़ा, फिर बाद में डाल दो डस्टबिन में. अब पिज्जू हमारे थक गए हैं, अब ये कहीं हमारे साथ नहीं उतर रहे गाड़ी से बाहर. अब ये बैठ गए हैं, बहुत थक गए हैं क्योंकि आज इतना लंबा इनका ट्रैक और सब कुछ हो गया है. देखिए कैसे बैठे हुए हैं ये. देखिए सब लोग इस वक्त, वो देखिए वो दो लोग वहाँ जा रहे हैं, एक यहाँ हैं और मैं जो है यहाँ इसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मगर इसको अब नहीं जाना है. देखिए आप कितने आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि अब उसे काफ़ी थकान हो गई है. आज दिन की उसकी नैप भी नहीं हुई है. अब हम चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर. ये जो डैशबोर्ड पर रखा हुआ है, ये मेरी सैनी ने मुझसे तुड़वाया था कहीं पर. वो आपका है हमारे फर्स्ट व्लॉग में. यदि आपने वो फर्स्ट व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को. तो आइए दिखाता हूँ कि इसका मेरी सैनी ने क्या किया है घर ले जाकर. मेरी तो आदत है वैसे ये कि मैं कहीं भी घूमने जाऊँ नेचर के पास, वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करके ले आती हूँ. वो मेरे पास शायद एक साल, दो साल, तीन साल, कितने सारे टाइम तक भी रहता है, बट मुझे उस ट्रिप की याद दिलाता रहता है और फोटोज और वीडियोस के माध्यम से मैं उसको हर टाइम अच्छे से फील कर पाती हूँ. कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आप लोगों की भी अगर ऐसी आदत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.